प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतन देने की मांग अब संगठन के द्वारा उठने लगी है। राज्य के विभिन्न सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से सत्र 2014-16, 2015-17 एवं सत्र 2016-18 से प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके शिक्षकों को प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतन की मांग टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने की है। आपको बता दें कि संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने बताया कि न्यायालय का आदेश है कि संबंधित शिक्षकों को ट्रेनिंग कॉलेज से विनियमित होने की तिथि से प्रशिक्षित वेतन दिया जाए, लेकिन मात्र 2013-15 सत्र के ओडीएल मोड से प्रशिक्षित शिक्षकों को ही प्रशिक्षण चर्या पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतन दिया गया तथा शेष शिक्षकों को छोड़ दिया गया। इससे वंचित शिक्षक फिर न्यायालय गए, न्यायालय से पुनश्च उसी निर्देश को दोहराया गया जो पूर्व के वादों में दिया गया था, जो पूर्व के केस थे उसमें वही निर्णय दिया गया था, फिर भी सरकार इसे मानने से इनकार कर रही है। इसके अनुरूप सरकारी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से सत्र 2014-16, 2015-17 एवं 16-18 के प्रशिक्षु शिक्षकों को ट्रेनिंग कॉलेज से विनियमित होने की तिथि से प्रशिक्षित वेतन के भुगतान के लिए संगठन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।